I am very happy that the House unanimously supported the bill. Though the bill is small, it rectifies a major error. And as many representatives and members have pointed out, that which are these are not unrecognized institutes. These are well-established central universities and state universities, but the course they were carrying on B.Ed. was unrecognized. And there are so many reasons, but just I will say, Central University, South Bihar, Central University, Jharkhand, IIT, Gujarat, CU, Sagar, RIE, NCERT ka own Mysore Center, Kurukshetra State University, Ravindra Bharat State University, Sikkim State University, Maulana Azad, Ibn Ka University, then RIE, Bhuneshwar, NCERT ki khud ki sanstha, Pondicherry Central University, Manipur Central University, Kumaon Central University, AMU Murshidabad, Tripura Central University, Indira Gandhi Tribal Amarkantak University, Lakshmibai Thiruvananthapuram, BPED ka, that institute, and Rohtak, as was mentioned by Dipendraji, Manipur University and BHU. So all these are recognized and good institutes, but they were carrying these course. So I have found out that A, communication gap, 2, misunderstanding, and 3, laxity. And so we are going to fix the responsibility. We are asking all these institutes that we are granting you permission post facto, retrospectively, but you must also be alert. This should not happen again. And this is really one time thing. That is what we are going to do. And how many students? As Rohtak is 1200 students, because it was continuing for so many years, and it actually started before the law started. And so I can grant that 2-3 institutes have started much before the law came into force. So that we can grant. The issue is that they must give quality education, aur isme ek sabse bada mudda aaya ki teacher ki quality hi sab kuch hai. अगर टीचर नहीं है तो क्या? और अभी आपने कहा वो सबसे महत्वपूर्ण है कि चुनना चाहिए कि मुझे शिक्षक बनना है. इसलिए अगले वर्ष से हम इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स शुरू कर रहे हैं. बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड, 4 साल का कोर्स होगा. और ये 4 साल, हाँ, बीकॉम बीएड, बीएससी बीएड, बीए बीएड, 4 साल का कॉम्पोजिट कोर्स एक साथ में. तो जिसको 12वीं के बाद टीचर बनना है वही उसी कोर्स में जाएगा. कोई काम नहीं मिला इसलिए टीचर बना, ये नहीं होगा. ये सबसे बड़ी बात है. और इससे फायदा क्या होगा? और जैसे आपको पता है लॉ का पहले ग्रेजुएशन के बाद 3 साल का लॉ कोर्स होता था, लेकिन अब 5 साल का कॉम्पोजिट कोर्स कर दिया. हाँ, नहीं नहीं होता है ना. तो ये भी दोनों थोड़ा कोएग्जिस्ट करेंगे. 4-5 साल लगते हैं कि फिर माइग्रेट पूरा होता है. लोग ही चूज करते हैं ना फिर. तो लोगों को जब 1 साल भी बचेगा और कॉम्पोजिट ट्रेनिंग पहले वर्ष से मिलेगा तो उसमें जाएगा. तो ये एक बड़ी उपलब्धि होने वाली है और ये एक अच्छा कदम. हम उसकी तैयारी अभी तक चल रही है. दूसरा बड़ी बात है इसमें कि टीचर इंस्टीट्यूट का सचमुच है कि बीएड में 18,600 इंस्टीट्यूट है लगभग. बीएड, डीएड, बीपीएड वगैरह देने वाले 18,600 इंस्टीट्यूट है. हजारों प्राइवेट भी है, हजारों सरकारी भी है, यानी सरकारी मदद से चलने वाले एडेड कॉलेज भी है. लेकिन इन पर कोई, जैसे आपने सुप्रिया जी ने कहकर दिखाया कि भाई एनसीटी ने इसका कोई स्टडी ही नहीं किया है, तो सचमुच में स्टडी नहीं किया था. अब हम इसको पूरी तरह से, मैंने सभी इंस्टीट्यूट से एफिडेविट मंगवाए. तो एफिडेविट जब मंगवाए कि आपके पास क्या क्या सुविधा है, आप वीडियोग्राफी करके हमें एफिडेविट पे लिख दो कि हमारे इंस्टीट्यूट में इतना इतने सुविधा है, ऐसे टीचर है, ये सब नाम लिख के भेज. तो एफिडेविट हमारे पास 8,700 आए. फिर 10,000 लोगों के नहीं आए थे तो उनको नोटिस दिया शो कॉज. तो उसमें से 3,700 और आ गए. तो 12,000 के हमारे पास कुछ न कुछ तो एफिडेविट आ गए. अब बाकी बच्चे संस्थाओं को भी हम पीछे लगेंगे क्योंकि बीच में थोड़ा सा कोर्टबाजी हुई, वो भी समाप्त हो जाएगी. और
अभी हम फिर से उन सभी संस्थाओं को, क्योंकि अकाउंटेबल बनाना है, उसका एक्रेडिटेशन अगर करना है, तो ये जो अभी यूजीसी का भी जो नया रूप, यानी यूजीसी का नया रूप नहीं आ रहा है, यूजीसी का ग्रैंड फंक्शन अलग बॉडी करेगी और रेगुलेटर का काम यूजीसी करेगी, तो उसमें ही एनसीटी और एआईसीटी के कानून भी उसी के साथ साथ बदलेंगे। सबकी प्रोसेस समान रहेगी, ट्रांसपेरेंट रहेगी, अकाउंटेबिलिटी रहेगी, ऑटोनॉमी रहेगी, और उसके साथ साथ लर्निंग और क्वालिटी पर जोर रहेगा। तो ये दो बड़ी है। एक पूछा जानकारी देना चाहूंगा, मदन मोहन मालवीय टीचिंग 900 करोड़ का हमने प्रोविजन किया है पिछले साल में, 1 लाख से ज्यादा कॉलेज टीचर्स का, क्योंकि कॉलेज टीचर्स का प्रशिक्षण ही लगभग नहीं होता था। अब तो हम ये कर रहे हैं कि कोई भी नया कॉलेज टीचर आएगा तो पीएचडी होकर भी आएगा तो भी सिखाने का अनुभव चाहिए ना, तो अच्छे टीचर्स के लेक्चर में वो बैठेंगे, वो लेक्चर देंगे, वो दूसरे सीनियर प्रोफेसर उसको जज करेंगे और उनको सुधार करने का देंगे। तो एक इंडक्शन 2 महीने का 3 महीने का इंडक्शन और प्रोफेसर को भी होगा, क्योंकि ये होने की जरूरत है, कॉलेज में ये नहीं होता था, तो ये करेंगे। और मदन मोहन मालवीय के अभी 87 इंस्टीट्यूट रिकग्नाइज किए हैं और उनके साथ, क्योंकि गवर्नमेंट के खुद के 68 इंस्टीट्यूट है, बाकी भी अच्छे यूनिवर्सिटीज के इंस्टीट्यूट लिए हैं, उसमें टीचर ट्रेनिंग का बहुत ज्यादा गति से ट्रेनिंग हो, क्योंकि कॉलेज में ये बहुत जरूरी है। दूसरा एक मुद्दा निकला और जिसका मैंने उल्लेख परसों भी किया था कि जो डिप्लोमा इन एजुकेशन भी नहीं थे, केवल 12वीं होके टीचर बन गए थे, और उनको 15 लाख संख्या थी 2009 से, उनको समय दिया था, फिर भी 1 लाख से ज्यादा कोई ट्रेनिंग नहीं हुआ था। नाउ वी हैव कंप्लीटेड इट और स्वयं के प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन और टीवी पर ऑफलाइन उनको एजुकेशन मिलता है और 14,50,000 टीचर आज एजुकेशन ले रहे हैं और डीएलएड की पहले वर्ष की परीक्षा सफलता से पूरी हुई है और उसमें जो फेल होंगे उनको भी फिर से 2019 मार्च में फाइनल परीक्षा के साथ ये भी दे सकेंगे। तो टीचर ट्रेंड होना चाहिए, टीचर का एजुकेशन होना चाहिए, टीचर का मोटिवेशन होना चाहिए, अगर टीचर नहीं तो कुछ नहीं। और इसलिए अभी 27 तारीख को गुरु पूर्णिमा आ रही है, तो मैं तो एक अनाउंस करने वाला हूं कल की सभी छात्र अपने गुरुजी के साथ गुरुजी को वंदन करते हुए एक फोटो हमें भेजे या सेल्फी उनके साथ लेकर भेजे, क्योंकि एक गुरु के प्रति भावना भी होनी चाहिए, वंदन करके ही करें तो ये करना चाहिए, तो वंदन करके वो फोटो दे, क्योंकि आज भी एक ही प्रोफेशन ऐसा है कि जो हमारे जो टीचर थे प्राइमरी स्कूल के या मिडिल स्कूल के या कॉलेज के, आज भी वो कभी सड़क में मिलते हैं या कभी घर मिलते हैं तो उनको हम वंदन करते हैं, इतना इस प्रोफेशन में लोग सम्मान देते हैं। तो ये टीचर की ये है। प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो है उसमें गलत न चले, इसके लिए जो मैंने कहा एफिडेविट मांग के हमने शुरुआत की है और यह आगे पूरा सिलसिला बढ़ाएंगे। एक हुआ, एक सौगत राय जी ने कहा कि क्रेज फॉर इंग्लिश, अब यह आप हमारा सबका प्रश्न है कि क्रेज फॉर इंग्लिश ऐसे हो गए कि गरीब को भी लगता है कि मेरा बेटा भी टाई पहन के प्राइवेट स्कूल में जाएगा तो अच्छा होगा, ये उसको भी लगने लगा, तो इसलिए अच्छे गवर्नमेंट स्कूल होकर भी वहां मराठी मीडियम है, बंगाली मीडियम है, कन्नड़ मीडियम है, वहां कोई जा नहीं रहा है कॉर्पोरेशन सिटीज में। और इसलिए आपने जैसे कहा, हमारे यहां हमने महाराष्ट्र में किया कि पहले से ही इंग्लिश का मीडियम नहीं लेकिन एक विषय, तो कम से कम इंग्लिश का अध्यापन हो, ये राज्यों का विषय है, राज्यों ने इसमें पहल लेनी करनी है, ये करना है। इसमें एक और विषय निकला और जो महत्वपूर्ण है कि टीचर के लिए लर्निंग आउटकम की बात की, क्योंकि आज तक पहली दूसरी चौथी सर्वे आफ्टर सर्वे नेशनल असेसमेंट सर्वे 22 लाख स्टूडेंट्स का किया, उसमें भी यह आया कि अभी स्थिति ऐसी है कि 8वीं का छात्र 5वीं का पाठ नहीं पढ़ सकता, 7वीं का छात्र 4थी का गणित नहीं कर सकता। अगर ये स्थिति बनती है बहुत मात्रा में, और मैंने आप सबको आपके जिले का क्या शिक्षा का चित्र है, कहां आपका जिला शिक्षा में खड़ा है, ये मैंने आपको पत्र भेजा है, वो रिपोर्ट भी भेजा है, और वो जिनको नहीं मिला उनको फिर से भेजूंगा, मैं डबल भी भेजूंगा, क्योंकि
बहुत लोगों को मिला है लेकिन कुछ को नहीं मिला है, तो वहां दिल्ली के पते पर नेक्स्ट वीक हम भेजेंगे। क्योंकि आप ही देखिए, आप रुचि ले तभी सरकारी स्कूलों का स्थिति सुधरेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। लेकिन लर्निंग आउटकम्स नहीं थे इसलिए ये हो रहा था। अब हमने किया है कि परीक्षा ही नहीं थी तो परीक्षा आप कर ली पांचवी और आठवीं में। अब नया बात ये कर रहे हैं कि पहली दूसरी चौथी में भाई आपको भाषा में क्या आना चाहिए, सोशल विज्ञान में क्या आना चाहिए। हर कक्षा में हर वर्ष में क्या नई संप्राप्ति स्टूडेंट्स को होना चाहिए, इसका अब लर्निंग आउटकम्स तैयार किया है। लिपिबद्ध ही नहीं था वो कर दिया, और उसका कैसे अचीव करें ये टीचर को ट्रेनिंग दे दिया है। और अभी इस साल से पेरेंट को भी एक चिट्ठी देंगे कि आपका बेटा छठी में है तो उसको ये आना चाहिए, तो घर वालों को भी तो पता चले। अकाउंटेबिलिटी सबकी बननी चाहिए, जवाबदेही पेरेंट्स की भी, टीचर्स की भी, स्कूल्स की भी और स्टूडेंट्स की भी। तो ये करेंगे। एक टीचर के लिए अच्छा काम हमने किया है, दीक्षा प्लेटफॉर्म तैयार किया। कोई अध्यापक अच्छा भाषण करता है या कोई अध्यापक अच्छी तरह से पाठ पढ़ाता है तो वो खुद अभी रिकॉर्ड करता है, और रिकॉर्ड करते ही इस दीक्षा प्लेटफॉर्म पर रखता है। उसको देखकर बाकी टीचर्स अपना शिक्षा सुधारते हैं या उस पाठ को अपने क्लास में दिखाते हैं। ये बहुत मात्रा में आज 1 लाख से ज्यादा वीडियोस शगुन और दीक्षा के प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं, जिसमें टीचर जो अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे टीचर अच्छे हैं, प्रेरणा से काम करते हैं, नवाचार करते हैं, उन सभी शिक्षकों को सम्मान मिले और उनका रिकॉग्निशन हो, इसलिए ये प्लेटफॉर्म बड़ा काम कर रहे हैं। ये एक अच्छी व्यवस्था हो गई है। एक अंत में मैं कहूंगा कि इसमें एनसीटी का सुधार एक निरंतर प्रक्रिया है, जिसने उल्लेख किया वो सही है, वो पूरी प्रक्रिया बंद कर रहा है मुझे। और इसलिए 4 रीजनल ऑफिस में बीएड कॉलेज पैसे देकर खोलने का, जैसे हम इंटीग्रेटेड बीएड का नेक्स्ट ईयर से शुरू करेंगे, ये सारा धंधा खत्म हो जाएगा, ये आप समझ लीजिए, निश्चित रूप से खत्म होगा। और समग्र शिक्षा में, क्योंकि शिक्षा में बजट चाहिए, दीपेंद्र जी ने भी कहा, बाकी लोगों ने भी कहा कि 6% चाहिए, लेकिन समग्र शिक्षा में, यानी पहले सर्व शिक्षा अभियान था वो केवल पहली से आठवीं तक देखता था, फिर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान था तो 8वीं से 10वीं तक देखता था, 9वीं 10वीं देखता था, लेकिन 11वीं 12वीं के लिए कोई मिशन नहीं था। हमने अभी पहली से 12वीं तक ये एक समग्र शिक्षा करके नया रूप लाया है। समग्र शिक्षा में पिछले साल ये तीनों कार्यक्रम में, सर्व शिक्षा अभियान वगैरह में, 23,000 करोड़ रुपए थे, 23,000 करोड़ रुपए। इस साल 28,000 करोड़ रुपए हो गए, अभी 34,000 करोड़ होंगे और नेक्स्ट ईयर 41,000 करोड़ होंगे। हर साल 20% की राइज। और केवल वो नहीं, 13-14 में एजुकेशन का टोटल बजट 63,000 करोड़ था, अब 85,000 करोड़ हो गया। और केवल बजट नहीं बढ़ा, बजट के बाहर से भी पैसे लाकर शिक्षा में हम इंफ्रास्ट्रक्चर में डाल रहे हायर एजुकेशन फाइनेंस एजेंसी से, और वो 25,000 करोड़ इस बार होंगे, तो 63,000 का 1,10,000 करोड़ हो गया, 70% बजट बढ़ गया 4 साल में। यह हमें समझना चाहिए और इसलिए यह एक महत्वपूर्ण पहल है। एक ओपन बीजू जी ने कहा कि अभी डिजिटल बोर्ड को केरल भी कर रहा है, तो डिजिटल बोर्ड का देश भर में हम करेंगे, 9वीं से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक 15 लाख क्लासरूम, जिसमें पहले मेरे बचपन में ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड होता था कि हर स्कूल में, हर क्लासरूम में कम से कम ब्लैकबोर्ड तो चाहिए। अब हम ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड लॉन्च कर रहे हैं कि डिजिटल बोर्ड के माध्यम से 15 लाख क्लासरूम अब ऐसी स्मार्ट बन जाएगी कि वहां लेक्चर भी होगा, मटेरियल ट्यूटोरियल भी होगा, लेकिन साथ में फिल्म भी चलेगी। कि समझो डाइजेशन का पाठ, मैं गया था छत्तीसगढ़ में और छत्तीसगढ़ के ट्राइबल का स्कूल था, वहां डिजिटल बोर्ड था और डिजिटल बोर्ड में डाइजेशन का पाठ चल रहा था, तो डाइजेशन का लेक्चर भी एक छोटा आ रहा था लेकिन साथ में एक फिल्म भी आ रही थी। तो फिल्म में डाइजेशन कैसा होता है खाने से लेकर अंत तक, तो ये सब प्रक्रिया दिखा रहे थे, कितना आसान होता है समझने को। और इसलिए इस तरह से फिर जो टीचर है उसको नए प्रश्न पूछते स्कूल के छात्र, ये सब करेगा। हाँ, नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी करे रोहतक में, ये उनका सुझाव है, अच्छा सुझाव है। सवाल है कि ये हम नहीं करते, वो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है। तो आपने कहा था कि ठोस आश्वासन दो, तो मैं ठोस आश्वासन देता हूँ
कि मैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर को यह बात आपकी कहूंगा। हाँ, दूसरी बात है स्पेशल चिल्ड्रन की बात सुप्रिया जी ने कही और दो तीन सदस्यों ने कही, बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें हमने समग्र शिक्षा में एक अभियान किया है, जो स्पेशल चिल्ड्रन है उसमें जो गर्ल स्टूडेंट है उसको 200 रुपए प्रति महीना उसको स्टाइपेंड नया देने का काम शुरू किया है, और उसके साथ साथ जो टीचर्स हैं उनके उनको ज्यादा पैसा देने के लिए राज्य सरकारों को हम ज्यादा पैसा दे रहे हैं, ताकि टीचर्स को बहुत कम तनख्वाह था स्पेशल चिल्ड्रन को सिखाने वाले उनको किया है। एक कहा दुष्यंत जी ने कहा था कि पीएचडी वगैरह छात्रों का भी उपयोग करो, स्कूल की क्वालिटी बढ़ेगी। एक अच्छा कार्यक्रम है वो बताकर मैं समाप्त करता हूं, टेक्विप प्रोग्राम है अपना, टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम टेक्विप। उसमें इस बार हमने क्या किया कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, इन राज्यों में गवर्नमेंट के इंजीनियरिंग कॉलेजेस 50 ऐसे थे जहां 80% वैकेंसीज थी, हार्डली एक दो प्राध्यापक आते थे वो पढ़ाते थे, तो इंजीनियरिंग के छात्र तो अच्छे हैं। तो इस बार हमने आईआईटी से जिन्होंने बीटेक किया, एमटेक किया, एमफिल किया आईसर से, या किसी ने पीएचडी किया, उन छात्रों को हमने आह्वान किया कि आप आइए देश के लिए 3 साल आप पढ़ाइए इन इंजीनियरिंग कॉलेज में। और मुझे खुशी है कि 1200 छात्र जो आज अध्यापक बन के केवल 70,000 रुपए के तनखे पर वो तुरंत वहां गए हैं, और ऐसे 50 कॉलेजेस में 1,00,000 स्टूडेंट है उनको अच्छी शिक्षा अब मिलने लगी है, ये 1200 छात्र वहां जाके अध्यापक बन गए हैं। तो ये ऐसे बहुत सारे काम हम करते जाएंगे। एक मुद्दा आया था कि इसका एक राष्ट्रीय नीति भी होनी चाहिए, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लगभग तैयार हो गई है, उसके 0 ड्राफ्ट के बारे में कमिटी ने मुझे एक बार चर्चा किया, अब वो उसको अंतिम रूप दे रहे हैं, और अंतिम रूप दिखा के फिर वो आप सबके सामने आ जाएगी। मुझे पूरा विश्वास है कि 2020 से 2040 तक एक जनरेशन के लिए नए चैलेंजेस, नए अवसर जो है उसको देखते हुए एक अच्छी शिक्षा नीति आएगी, और इसी से हम शिक्षा में जो आप सबकी इच्छा है कि क्वालिटी अच्छी हो, क्योंकि मैं मानता हूं शिक्षा अच्छी होगी तब देश अच्छा होगा, अगर शिक्षा ब्रोकन हो गई, फेल हो गई, तो देश भी फेल होता है, और इसलिए शिक्षा को मजबूत करने का हमारे रहेगा तो पक्का है हम उसी रास्ते पर जा रहे हैं, आप सबका सहयोग चाहिए, बहुत बहुत धन्यवाद। The question is that will be taken to consideration. Those in favor may say aye, those against may say no. I think the ayes have it, the ayes have it. The motion for consideration of the bill is adopted. House will now take up class by class consideration of the bill. Premchandran, Premchandran, the question is that classes 2 and 3 do stand part of the bill. Those in favor may say aye, those against may say no. I think the ayes have it, the ayes have it. Classes 2 and 3 stand part of the bill. Honorable Minister, to move amendment number 2. I move amendment number 2. The question is that amendment number 2 moved by Honorable Minister be adopted. Those in favor may say aye, those against may say no. I think the ayes have it, the ayes have it. Amendment is adopted. The question is that clause 1 as amended to stand part of the bill. Those in favor may say aye, those against may say no. I think the ayes have it, the ayes have it. Class 1 as amended stands part of the bill. Honorable Minister, to move amendment number 1. I move amendment number 1. The question is that amendment number 1 moved by Honorable Minister be adopted. Those in favor may say aye, those against may say no. I think the ayes have it, the ayes have it. The amendment is adopted. The question is that clauses that the question is that enacting formula as amended to stand part of the bill. Those in favor may say aye, those against may say no. I think the ayes have it, the ayes have it. Enacting formula as amended stands part of the bill. The question is the long title to stand part of the bill. Those in favor may say aye, those against may say no. I think the ayes have it, the ayes have it. Long title stands part of the bill. Minister may now move that the bill as amended be passed. The bill as amended be passed. The question is that the bill as amended be passed. Those in favor may say aye, those against may say no. I think ayes have it, ayes have it. The motion is adopted and the bill as amended be passed.